मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति। भाजपा सांसद ओम बिरला दोबारा इस पद पर बैठेंगे। मोदी 2.0 में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे ओम बिरला। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे कोटा सांसद ओम बिरला। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी सांसद ओम बिरला दोबारा इस पद पर बैठेंगे। मोदी 2.0 में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे ओम बिरला और एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे कोटा सांसद। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर पद का संभालने जा रहे हैं बीजेपी सांसद। एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी सांसद ओम बिरला दोबारा इस पद पर बैठेंगे। मोदी 2.0 में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे ओम बिरला और एक बार फिर से बनने जा रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। तो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालने जा रहे हैं बीजेपी के सांसद। आपको बता दें कोटा से सांसद है ओम बिरला। मोदी सरकार में पहले भी स्पीकर पद संभाल चुके हैं, 2.0 में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे और एक बार फिर से वो ये पद संभालने जा रहे हैं। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं विपक्ष ने भी सहमति जता दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी सांसद ओम बिरला और अब रुक करते हैं टॉप 50 खबरों का। कल ही इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा लोकतंत्र के काले दिन का 50 साल पूरा, इमरजेंसी के समय देश को जेल खाना बनाया गया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा सदन में विपक्ष के कारण नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कारण सदन ठीक से नहीं चला, क्योंकि विपक्ष की मांग बिल्कुल जायज थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम स्पीकर को समर्थन करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। दिल्ली के जल मंत्री अतिशी की बिगड़ी तबीयत, तो उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी आज मना रही आपातकाल का काला दिवस, छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने एक्स पर किया पोस्ट, तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय। आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। संभल में सपा सांसद की स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचला, टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने चालक समेत गाड़ी को कब्जे में लिया। वाराणसी में मां गंगा की आरती में शामिल हुई नीता अंबानी, गंगा आरती देख भाव विभोर हुई नीता अंबानी, बेटे की शादी से पहले लिया नीता अंबानी ने आशीर्वाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अभिनेता अजय देवगन के घर अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड देने पहुंचे। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से यात्री होंगे रवाना, कल रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहले जत्थे में 300 श्रद्धालु यात्रा के लिए जाएंगे। 10 जुलाई को श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जत्था होगा रवाना। ईओयू ने झारखंड के देवघर से जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें 3 साइबर अपराधी हैं। इनके पास से 11 पोस्ट डेटेड चेक, दर्जनों सिम कार्ड भी बरामद किए गए। पेपर लीक मामले में हैं 3 आरोपी।
कानपुर के शहीद बेटे के घर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में कानपुर के शैलेंद्र कुमार हो गए थे शहीद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी विस्फोट में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम स्थित उनके घर लाया गया। 23 जून को नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा 201 बटालियन के दो जवानों की जान चली गई थी। अंतरदौरे पर रहे विधायक कंवरलाल मीणा, करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की दी सौगात, सड़क निर्माण, पशु चिकित्सालय का क्या लोकार्पण, विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता, उन्होंने कहा। बूंदी के 783वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा, अलग अलग जगह से आए लोगों ने दी प्रस्तुति, तहसीलदार सहायक पर्यटन अधिकारी रहे मौजूद। जयपुर के इंगोनिया में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला, पुलिस चौकी के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांग को लेकर अड़े परिजन। सरवाड़ पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार और चोरी की, मोटरसाइकिल सहित फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी आरंभ किया। भीलवाड़ा में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, कार चालक की मौत, बेरा तिराहे के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। भीलवाड़ा के मांडल में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर, नेशनल हाईवे भीलवाड़ा चित्तौड़ 79 की घटना, पिकअप सवार 24 से अधिक लोग घायल। वैर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा नहीं होने से आक्रोश, मामले को लेकर महापंचायत का आयोजन, इस दौरान भूसावर थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और 3 दिन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया जाएगा। श्रीमाधोपुर में कार और बाइक सवार की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने दोनों साधनों को लेकर कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कपासन में अज्ञात कारणों के चलते पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से लाखों के पाइप और कच्चा माल जलकर हुआ राख। लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने, 11 साल से संजना से शाइन बनी महिला से हो रहा था उत्पीड़न, पुलिस पर उठे कई सवाल। कानपुर के कल्याणपुर में गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ अभद्रता, पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया अभद्रता और गाली गलौज, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बागपत में शातिर अपराधी की 96 लाख की संपत्ति कुर्क, लग्जरी गाड़ियों और कृषि भूमि पर की गई कुर्की की कार्रवाई। रुड़की में लहूलुहान हालत में खेत में पड़ा मिला शव, शव के पास जंगली जानवर के पैरों के निशान, जंगली जानवर की आहट से दहशत में ग्रामीण। मिर्जापुर में गंगा नदी में नहाते समय 24 वर्षीय युवक डूबा, सूचना पर पहुंचे परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल, शहर कोतवाल भी मौके पर पहुंचे। बस्ती में चलती फोर्ड कंपनी की कार में लगी आग, अज्ञात कारणों के से कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी, सिविल लाइन चौकी के सामने जली कार। ग्वालियर में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शराब तस्कर, शराब तस्कर का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची थी पुलिस, आरोपी की तलाश में पुलिस ने की घेराबंदी, बस स्टैंड से लेकर हाईवे तक की घेराबंदी। खरगोन में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा, हादसे में करीब 15 श्रद्धालु हुए घायल, सभी घायलों का
अस्पताल में इलाज जारी। भीरट देव दर्शन के लिए पहुंचे थे सभी श्रद्धालु। बड़वानी जिले में नागलवाड़ी में हुआ था हादसा। बलरामपुर में हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। दल से बिछड़े हाथी ने किसान के घर को तोड़ा। हाथियों का आतंक क्षेत्रों में लगातार जारी। वन विभाग हाथियों को जंगल की ओर भगाने का कर रहा प्रयास। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 58 हुई। अस्पताल में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों का इलाज जारी। राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर में आग लगने से दर्दनाक हादसा। इलाके में स्थित एक घर में आग लगने से परिवार के चार लोगों की मौत। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक पहले घर में लगे इन्वर्टर में लगी आग, इसके बाद आग की लपटें सोफे तक पहुंची और देखते ही देखते पूरा घर में धुआं फैला। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच टैंकरों की मदद से लोगों तक जलापूर्ति की जा रही है। देशभर में लगभग सभी इलाकों में लू से लोगों को मिली राहत और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली यूपी बिहार समेत लोगों को गर्मी से मिली राहत। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। भारत और इंग्लैंड के बीच 27 जून को सेमीफाइनल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। दुर्ग से ट्रेन यात्रियों के लिए बुरी खबर। अजमेर एक्सप्रेस 3 दिनों के लिए की गई रद्द। रेलवे ने जारी किया आदेश। कई ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। रेल लाइन दोहरीकरण के कारण ट्रेनें रद्द। वंदे भारत शताब्दी जैसी ट्रेनों में खाने की होगी जांच। रेलवे ने लगातार शिकायतों को देखते हुए बनाई 18 टीमें। ये टीमें ट्रेनों में जाकर करेंगी औचक निरीक्षण। बीते दिनों वंदे भारत के खाने में मिला था कॉकरोच। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इंडी ब्लॉक की ओर से। स्पीकर पद के लिए नामांकन। इंडिया की तरफ से के सुरेश ने नामांकन किया। कोटा सांसद ओम बिरला से होगा सुरेश का मुकाबला। स्पीकर का चुनाव कल। डिप्टी स्पीकर पर नहीं बनी बात। कल पहली बार होने जा रहा है स्पीकर पद के लिए चुनाव। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इंडी ब्लॉक की ओर से। स्पीकर पद के लिए नामांकन किया जाएगा। इंडिया की तरफ से के सुरेश ने नामांकन किया। कोटा सांसद ओम बिरला से होगा के सुरेश का मुकाबला। स्पीकर का चुनाव कल। डिप्टी स्पीकर पर नहीं बनी बात। तो कल पहली बार होने जा रहा है स्पीकर पद के लिए चुनाव। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।